गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी आप सब? आज देखो बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्जी। मेरे बैंगन बहुत फेवरेट हैं। ये हल्के वाले बैंगन लेने, गाउटी बैंगन, यहाँ पर बोलते हैं गाउटी बैंगन, देसी बैंगन जिसको बोलते हैं ना। तो मैं बिना पानी के सूखी सब्जी बनाऊंगी बैंगन की। देखो ऐसे इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बैंगन बहुत बहुत स्वाद होता है इनके अंदर। ये मैं इसको काटूंगी ऐसे और पानी में डाल देना, काट के उसको पानी में डालना है। काटने का भी ना एक तरीका होता है, कुछ लोग बहुत ही टेढ़े मेढ़े काटते हैं। मीन्स इसके जैसे चार पीस करने हैं, देखो कितने सुंदर एक ही साइज के। अभी इसको पतले चाकू मार मार के और छोटे मोटे, वो कटिंग बहुत जरूरी है, अच्छी कटिंग सब्जी की बहुत जरूरी है। जब तक अच्छी कटिंग नहीं है ना तो सब्जी स्वाद नहीं बनती, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को कटिंग की बहुत टेंशन होती है, मैं इन लोगों को सब्जी काट के देती हूँ कि तुम लोग सही काटती नहीं हो। देखो और सूखे बैंगन बनाऊंगी, बहुत अच्छे आलू बैंगन, साथ में सफ़ेद वाली उड़द की दाल। आज का मेरा लंच है, दाल को सीटी लग रही है, उसमें सफ़ेद उड़द की दाल में अदरक का तड़का लगाती हूँ, अदरक और हरी मिर्ची का। देखो जी ये कट गए। कोई भी सब्जी को हमेशा पानी में काट के रखो। देखो अभी एक ही साइज के दो आलू, और जब आलू भी लेने हैं तो सब्जी के हिसाब से आलू लेने हैं। हमको छोटे काटने हैं तो बड़े आलू ले लो, और ऐसी सब्जी बनानी है तो एक ही साइज के आलू, जैसे जितने बैंगन के बैंगन का साइज है ना उतना ही साइज आलू का। आप ऐसा करके देखो प्रॉपर वे से, तो आपको मजा आएगा कि सब्जी कितनी अच्छी भी लगती है, लुक में भी उसका मजा भी आता है। मेरी देखो विसल बजती जा रही है। ये देखो आलू कट गए। आज मेरी कल्पना घर चली गई है, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं सब्जी काटती हूँ, फिर उसको हल्का सा मसाला डाल के एकदम सूखी सब्जी बनाऊंगी। आपने मुझे कभी ऐसे काटते हुए ज़्यादा देर नहीं देखा ना, मैं वीडियो में काटने वटे का काम नहीं करती, काट के फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैंने कहा आज, ओ सरता गिर जाएगा बेटा, ओ नो नो नो, आजा आजा, नो प्रॉब्लम नो, आजा। मेरे सरताज को चोट लग गई। देखो जी ये कट गए आलू, आजा आजा बेटा आजा। देखो मम्मा को बुलाओ, मम्मा की जगह ऐसे इसको जब तक धोना बनाना नहीं है ऐसे पानी में ही रखना है। अभी चलूंगी गैस पे, इसको सूखी सी सब्जी बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ, नहीं तो यहीं पर रखूंगी मैं इलेक्ट्रिक गैस। हिमते मर्दा मदद खुदा। देखो जी तबीयत तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी ऐसी है कि मैं एकदम ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, घुटने में थोड़ी थोड़ी पेन है, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है। वॉक करती हूँ, अभी सीधा चलने लगी हूँ, पहले दीवार पकड़ के चलती थी, लेकिन अपने काम तो क्यों दूर रहा। मन करता है कि मैं खाना बनाऊँ, कुछ वीडियो डालूँ, जो मेरे को सब्जी पसंद है वो बनाऊँ। तो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, वो भी अपने रूम में। मैंने इलेक्ट्रिक गैस रखा है, उसके ऊपर बनाने लगी हूँ बैठ के, सामान पास में रखे। तो देखो और सीखो और बनाओ मेरे साथ में, और ऐसी हिम्मत रखो कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमको अपने काम तो करने ही हैं। देखो जी मेरा पैन, देखो जी तेल तरातर गर्म हो गया। ये मैंने अपने रूम में, देखो मेरे बेड के पास में मैंने टेबल के ऊपर रखा है इलेक्ट्रिक गैस। मेरे पास में है बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और हर चीज़ मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है सरसों के तेल के बिना मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप भी बना के देखो कि कितना मज़ा आता है। मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है, अब मैं इसको डालने लगी हूँ। पहले इसमें लहसुन और हरी मिर्ची कूट के, देखो जी ये लहसुन और हरी मिर्ची कूट ली है। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ बट बहुत मज़ेदार सूखी सब्जी बनती है। थोड़े से मसाले डालूंगी आलू बैंगन में। सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। देखो जी मेरा कुकर गरम, तेल गरम, शुरू करते हैं। कैमरा मैंने स्टैंड पे लगा दिया है। हिमते मर्दा मदद खुदा। चलो जी बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। टें टें टें।
मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे आलू बैंगन बहुत पसंद है। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा और साथ में लहसुन और हरी मिर्ची कूट के। मैं सारी सब्जियों को ना लहसुन हरी मिर्ची से ही उसको बराबर कर देती हूँ, इसी से टेस्ट आ जाता है, कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं होती है। देखो हाँ, क्या खुशबू, ओ माय गॉड, मजेदार खुशबू, धुआं निकलता। अभी इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट अनुसार, जैसा आप खाते हैं। सूखी बनानी इसके लिए कम डालूंगी। ओ किधर चल रहे जी कैमरा, किधर चल रहे, रुक जाओ, कैमरा मेरा गिर रहा था, कोई बात नहीं, हाथ में ले लिया। देखो जी, बस हल्के हल्के गैस पे इसको काला नहीं करना है, कोई भी मसाले को ना काला नहीं करना, हल्का सा बस उसको कलर चेंज करना है और हो जाता है झटपट फटाफट। अब करेंगे थोड़ा सा इसका नंबर तेज, प्लस से होता है तेज। अब डालूंगी इसमें मसाले, हमेशा तेल में मसाले भून लीजिए तब अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालूंगी रेड चिल्ली थोड़ी सी, देखो थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी। और जी इस सब्जी का जो टेस्ट आता है ना, इस सब्जी की जान जो है वो डालने लगी हूँ अभी मैं इसमें, जो इस सब्जी को स्वाद देता है, इस सब्जी को मजा देता है, आलू बैंगन की सब्जी। सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, इससे बहुत टेस्टी बनती सब्जी। अभी हमने इस सूखे मसाले को ही इसमें थोड़ा सा भूनना है, मतलब उसका कच्चापन चला जाए, और गैस को रखना है थोड़ा सा स्लो, ज़्यादा तेज नहीं, काला नहीं होना चाहिए। जब ये तेल में थोड़े मसाले भुन जाते हैं ना, फिर सब्जी का आता है उसमें मज़ा। सबसे बड़ी बात पता है क्या, अपने हाथ का बनाए हुए खाने के बगैर मज़ा नहीं आता। ये मैंने बहुत टेस्ट कर लिया है, जान चली जाती है वो टेस्ट आने के लिए। मैं बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ, बहुत मन बिना परेशान हो जाता है जब तक मैं अपने हाथ खाना खाऊं। बोलते ना स्वर्ग जाना तो मरना ही पड़ेगा, वो हाल है। इसीलिए मैं बनाऊंगी अभी आप लोग के लिए यहाँ पर बैठ के सब्जियाँ, मेरे स्टाइल की, लवली किचन स्टाइल की। देखो जी अभी डाल देंगे अपने आलू बैंगन, देखो मैंने गैस ज़्यादा तेज नहीं किया क्योंकि मुझे बिना पानी से सूखी बनानी है सब्जी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, नो पानी, बिना पानी के बनेगी सब्जी। अब इसको करेंगे हम मिक्स, देखो ओहो, अभी डालूंगी थोड़ा सा बाद में धनिया और इसको ढक के भाप में ही पकाऊंगी, देखो कितना सुंदर कलर आएगा इसका। लगता है कि मसाला जलने का डर लगता है कि जले ना, तो अगर पानी भी डालना तो आपको ऐसा दो बूंद डालना है ताकि वो जो मसाला है ना सब जगह से हटके मसाला लग जाए, बस ये दो बूंद, ढेर पानी नहीं लगेगा। अभी हम इसको ढकेंगे भाप में, एकदम स्लो गैस पे इसको ढकेंगे और ये सुंदर प्यारी वाली सब्जी बन जाएगी विद इन 5 मिनट। देखो जी सूखती सूखती भाजी है ना, मजेदार ऐसी बनती है सूखी सब्जी अच्छी। देखो इसको अभी गैस एकदम हम स्लो करेंगे ताकि भाप में गले, मुझे इसको भाप में गलाना एकदम। अभी डाल दूंगी इसमें धनिया, हरा धनिया डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पे ढकेंगे। ये सब्जी को भूनना भी होता है, भूनना भी बहुत ज़रूरी है, तभी स्वाद आता है जब सब्जी भूनी जाती है। देखो है ना मज़ेदार, कलर भी कितना सुंदर। अगर आपको पानी डाल के गलाना ना जल्दी, तो ऐसे हाथ से छिटा दिया कीजिए पानी का, ज़रा सा दो बूंद, ताकि वो मसाला हमारा जले ना। अभी मैं इसको एकदम स्लो के ऊपर 10 मिनट के ढकूंगी और मेरी सब्जी हो जाएगी रेडी। आ रहा ना मुँह में पानी आपके, मेरा भी आ रहा, बहुत मज़ेदार बनती है सब्जी। देखो जी हो गई मेरी सब्जी रेडी। ओहो, देखो देखो कितनी सुंदर, देखो पूरी भाप पे। इन सब्जियों को ना मेहनत लगती, मेहनत, देखो ऐसा हल्का सा उसका ना कलर भी आएगा आलू में, आपको दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी भाप में आप गलाओगे ना, ऐसा सुंदर आलू में ना फ्राई होने का कलर भी आ जाता है। अरे बाबा उल्टा हो जा,
उल्टा करके तेरे दिखाना बाबू, ये देखो, अरे देखो जी ऐसा, ऐसे आलू ना थोड़े थोड़े ऐसे हल्का हल्का ब्राउन कलर भी आने लगता है। और देखो अपना ऐसा तेल छोड़ देना, सब्जी सूखी सब्जी ऐसा अपना तेल छोड़ दे थोड़ा, तो समझो कि सब्जी रेडी हो गई। मैंने एकदम बड़े प्यार से स्लो पे देखो रख रख के सुंदर तरीके से देखो आलू एकदम गल, बैंगन एकदम गल चुके हैं सॉफ्ट, और इनको तोड़ना भी नहीं हमको, इनको ऐसा टिप्पी चम्मच दें, हमको इनको तोड़ना भी नहीं है, सॉफ्ट रखना है ताकि हम रोटी के साथ जब खाएं तो प्रॉपर हो, हाथ में आने चाहिए कि बैंगन है, ऐसे उनको पूरा वो नहीं कर देना, ऐसे रखना। देखो ऐसे दबा भले फोक से भी खाओ ऐसे खाओ, इसको इस सब्जी को पूरा तोड़ना नहीं होता तो इसका मज़ा आता है। ऐसे ही हमारे आलू हैं, आलू को हमने तोड़ना नहीं है, पूरा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि ये पड़ी पड़ी जब हम खाते हैं तब तक वो हो जाती है। मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ऐसी बनाओ खाओ। देखो अब ये भाप में पड़ी रहेगी ना, जो कसर है वो भी अपनी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसका ऐसा सुंदर कलर आना चाहिए। देखो टमाटर भी नहीं डाला, प्याज भी नहीं डाला, आप चाहो तो अदरक डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती, उससे अलग टेस्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा, लेकिन वो टेस्ट टमाटर वाला अलग होगा, ये टेस्ट अलग है। ट्राई करो, सूखा धनिया बहुत ज़्यादा डालो और मज़े कीजिए, बनाइए खाइए, खुश रहिए मेरी प्यारी प्यारी सब्जी। देखो जी हाँ, प्यारा प्यारा कलर, सुंदर सुंदर, इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बनाइए। अभी इसको और ढक के रख दूँगी, अभी मेरी उड़द की सफ़ेद वाली दाल रेडी हो रही है, वो मैं इसके साथ खाऊंगी फुलके के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। जब भी आप ऐसी सब्जियां किसी को बाउल में डाल के दोगे ना, तो सब्जियों की बोलते ना उसकी शक्ल अच्छी हो, दिखने में अच्छी हो तो खाने को ही मन करता है। देखो आलू कैसे सुंदर गल गए हैं, देखो एकदम ऐसे आलू, अभी ये मसाले के साथ में आलू जब मुँह में जाता है और बैंगन, तो उसका क्या मज़ा आता है आपको मैं बता नहीं सकती, आपके मुंह में पानी दिला रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। जब हम इसको प्लेट भी करते हैं, आपको दिखाती हूँ, इसको हम जब प्लेट करेंगे तो सुंदर कैसे सब्जी लगेगी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम कोई गेस्ट आते हैं जब उनको खिलाते हैं ना, तो प्यारी सी सुंदर सब्जियों का कलर दिखना चाहिए, तो उसका मज़ा आता है खाने को। देखो जी, ओ देखो जी इतना सुंदर कलर, ऐसा अच्छा लगेगा ना खाने को, सूखा फुलका घी लगाओ, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी लो और ऐसे आलू बैंगन खाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। लवली किचन के स्टाइल के ऐसे आलू बैंगन बनाइए, खाली ध्यान से भाप पे पकाओ, पानी नहीं डालना है, डालना भी है तो दो बूंद डालनी है, देखो कितना सुंदर। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।